कैंपियरगंज तहसील के ग्राम सभा जंगल बिहुली टोला भगवानपुर में छठ के पावन अवसर पर स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने नए घाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और अपनी सरकार के कार्यों को गिनाया। पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि छठ का पर्व बड़ा पर्व है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था से इस व्रत को रखते हैं। इस मौके पर ग्राम प्रधान हामिद भी मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि हर साल श्रद्धालुओं में बढ़ती भीड़ को ध्यान देते हुए इस नए घाट को बनाया गया है। मौके पर पीपीगंज नगर पंचायत चेयरमैन गंगा प्रसाद जायसवाल, राजेश सिंह, बलवंत यादव, पिंटू सिंह, दिनेश सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सम्मानित विधायक सबीर से चलिए आदरणीय इस गांव सभा से पहले जो भी सभी सम्मानित आप सबको सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये घाट अभी बंद करके तैयार हुआ, आपके सामने इसका उद्घाटन हुआ और जो अगला घाट इन्होंने कहा है उसको मैं अपने फंड से उसको दे करके बनवाने का काम करूंगा। आपके गांव में 60 लाख की एक सड़क बहुत जल्द शिलान्यास करने आ रहा हूं और उसका भी शुभारंभ हो रहा है। साथियों, इस बिहुली गांव में जब खड़ंजा नहीं होता था, मिट्टी की सड़कें थी, उस जमाने से लेकर के आज तक इस बिहुली गांव के चारों सड़कों का जाल बिछाने का काम हम लोगों ने किया और आगे भी ये योजना है कि कोई भी टोला, कोई भी मजरा सड़क से वंचित न रह जाए और यही प्रयास हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। हमीद जी कर रहे हैं, आप सब लोगों के सहयोग से हम चाहते हैं कि विकास के कार्य समय समय पर जनता के हित में जो कार्य है वो होने चाहिए और जो भी आपकी मांग है उस मांग को पूरा कराया जाना हम सब जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व है। साथियों, आप सब का सहयोग आशीर्वाद हमेशा मिला है। मुझे याद है जब हमारे स्वर्गीय पिता जी चुनाव लड़ते थे पनियरा बेल्ट पर, यहाँ के बुजुर्ग साइकिल से जाकर के प्रचार में, बिहुली के साइकिल से प्रचार में जाते थे उस पनियरा की धरती पर, मुजरी पनियरा कहाँ कहाँ जाते थे, मुझे वो जमाना भी याद है। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहे। विकास के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, ये 18 महीने के कार्यकाल में लगभग 450 करोड़ के पिच मार्ग, 22 करोड़ के इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और स्टेडियम और लगभग 150 करोड़ की और नई योजनाएं इस कैंपियरगंज की धरती पर निर्माणाधीन है, आपके सामने दिखाई दे रही है। आने वाले जमाने समय में हमारे पास केवल मुद्दा एक बचा है, नौजवानों को रोजगार की बात। उसके लिए मैंने बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, अपील किया है और जिस दिन उद्योग हमारे इस कैंपियरगंज की धरती पर लग जाएगा हमारी सारी उधारी खत्म हो जाएगी। हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी जो होनी चाहिए रोजगार देने की, वो हमारा प्रयास है, उस पर हम लगे हैं। यहाँ के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार में हम लाएं। अभी दिल्ली में, लखनऊ में MOU साइन हो गया है। हम उन्हीं उद्योगों में से कोई एक उद्योग बड़ा कैंपियरगंज की धरती पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।